आरा से करीब 80 किलोमीटर दूर शाहबाद का किला है। यह वो किला है जो किस्से, कहानियों और रहस्यों से आज भी आबाद है, लेकिन उसका वैभव बर्बाद हो चुका है। कुछ लोग मान्यताओं के आधार पर इस किले को भूतों की कहानियों से जोड़ते हैं। जी हाँ, किले में कई तोपे होने के कारण इसे तोपों वाला किला भी कहा जाता है। लोग यहाँ की बावड़ी में खजाने के लगे हुए ताले देखने का दावा भी करते हैं। कुछ का तो यहाँ धन मिलने का भी दावा है। किले को चौहान राजपूत राजा मुकुटमणि देव धंधेला ने 16वीं शताब्दी में बनाया था। किले पर चौहान राजपूतों, मराठों, ब्राह्मणों और कोटा के हाड़ा राजाओं का शासन रहा था। लोगों का दावा है कि रात में सन्नाटे के बीच यहाँ चीखें सुनाई पड़ती हैं। कई बार घुंघरुओं की आवाजें भी आने लगती हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकना अपनी मौत का न्योता देना जैसा है। 20-20 फीट ऊंची दीवारों से बने परकोटा के बीच कई किलोमीटर में फैला यह किला तोपों से लैस था। अभी भी यहाँ कई तोपों के अवशेष मौजूद हैं, जबकि कई तोपों को कोटा संग्रहालय में ले जाया गया है। अभी यहाँ मौजूद नवल बांध तोप, जिसका संबंध नवल खांडेराव राजा से जुड़ा है, उसको देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कई लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि जयपुर की जयबान तोप के बाद ये दूसरी बड़ी तोप है जो सिर्फ एक ही बार चली थी और उसके चलने से पशुओं के गर्भ तक गिर गए थे। किला बहुत खूबसूरत था, जिसके चलते एक बार मालवा के राजा की इस किले पर निगाह पड़ गई और उसे हासिल करने की ठान ली। उस वक्त यहाँ ब्राह्मणों का शासन था। मालवा के राजा ने कोटा के हड़ाओं की मदद ली और किले के नीचे दाल बाटी की एक गोट आयोजित की। ब्राह्मण राजा अपने पूरे परिवार के साथ गोट खाने किले के नीचे उतर गया और उधर किले पर आक्रमण कर दूसरी सेना ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तब से यहाँ के लोक कथाओं में ये बात प्रचलित है कि ब्राह्मणों ने दाल बाटी की लालच में अपना किला गवा दिया। किले की तलहटी में एक बावड़ी बनी है जो अब खंडर हो रही है। उसकी बनावट और वर्तमान स्वरूप भी आदमी को चौंका देता है। दावा किया जाता है कि इसी बावड़ी में खजाना छिपा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पहले जब बावड़ी में पानी भरा था तो इसमें से खजाने के ताले नजर आते थे, लेकिन अब बावड़ी खंडरों के मलबे से भर रही है और ताले अदृश्य हो गए हैं। किले में खजाने की बात ही किले की बर्बादी का कारण है। यहाँ कई तांत्रिक खजाना निकालने के चक्कर में रात को पहुँचे, लेकिन कहा जाता है कि वे आधी रात के बाद यहाँ से अपनी जान बचाकर भागे हैं। अभी भी लोग दिन में यहाँ खजाना तलाशने आते हैं और किले में खुदाई करते हैं, जिससे किला खंडर बनता जा रहा है। कई स्थानीय लोगों ने यहाँ से कई बार सोने के सिक्के मिलने का दावा किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।